हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनपब्लिश्ड उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड में गंगोत्री धाम जा रहे हो तो आप अपनी यात्रा को कैसे और आकर्षक और यादगार बना सकते हैं। वैसे तो उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच कई पर्यटक स्थल है, लेकिन यदि आपके पास समय कम है और आप केवल गंगोत्री की प्लानिंग के साथ आए हैं तो आप गंगोत्री धाम की आध्यात्मिक यात्रा के साथ कुछ ही समय में अपने टूर को एक एडवेंचर ट्रिप भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गंगोत्री यात्रा मार्ग के आसपास कई ऐसी जगहों का दीदार भी कर सकते हैं जो शायद अब तक आपको पता ना हो। तो आइए जानते हैं वे कौन सी जगह है। गंगोत्री धाम पहुंचने से पहले आप 28 किलोमीटर पहले जिस जगह पर पहुंचते हैं वो है हरसिल। हरसिल एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ आप यहाँ 80 के दशक की आई फिल्म राम तेरी गंगा मेली फिल्म की नायिका मंदाकिनी की यादों को ताजा कर सकते हैं। फिल्म की कहानी मंदाकिनी और जिस पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द घूमती है वो आज भी यही है। यहाँ आज भी वो झरना है जहाँ उस दशक का सबसे हॉट सीन फिल्माया गया था। यहाँ की वादियाँ आपको जरूर पसंद आएगी। हरसिल से जब आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो एक जगह आती है भैरव घाटी। भैरव घाटी से आधा किलोमीटर पहले ही आप जाह्नवी नदी पर बने एक ऊंचे पुल को पार करते हैं जिसका नाम लंका पुल है। यहीं से वह रास्ता है जहां से पहले तिब्बत और भारत के बीच व्यापार होता था। वही रास्ता आज एक पर्यटक स्थल बन चुका है जिसका नाम है करतांग गली। 2 किलोमीटर का ये रास्ता पूरी तरह एडवेंचर से भरा है और खतरनाक भी है। ये क्षेत्र भरल यानी हिमालयन शिप का कॉरिडोर क्षेत्र है। हाँ, ध्यान रखें, यदि ज़्यादा ऊंचाई से आपको डर लगता है और आपका बीपी बढ़ता है तो आप जरूर संभल कर यहाँ रहें। यहाँ आप एक ऊंची पहाड़ी पर केवल लकड़ी की सीढ़ियों पर चल रहे होते हैं। यहाँ से गंगोत्री जाते हुए आप माँ गंगा के धाम गंगोत्री मंदिर के दर्शन करते हैं और यहीं गंगोत्री धाम की दूसरी तरफ 1 किलोमीटर दूरी पर जो प्रसिद्ध जगह है वह है सूर्यकुंड। यहाँ आप भागीरथी यानी गंगा के प्रवाह को एक खतरनाक झरने के रूप में देख सकते हैं। यहीं 1 किलोमीटर दूर आप महाभारतकालीन भीम गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में अगर आपके पास 1 से 2 दिन का समय है तो आप गोमुख तक जा सकते हैं। गोमुख जाने के लिए लगभग 19 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है, लेकिन यदि आप गंगोत्री से 2 किलोमीटर दूर गोमुख मार्ग तक भी जाते हैं तो आप यहां कनखू गुफा और राम मंदिर आश्रम भी घूम सकते हैं। यहां खूबसूरत वादियों के बीच हिमालय में कई तरह के गुलाब देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मेडिटेशन के लिए ये क्षेत्र बहुत आकर्षक है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उत्तराखंड की ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।